दोस्तों मोहम्मद आमिर का विवादों से पुराना नाता रहा है, एक बार फिर से वो फैंस के निशाने पर आए। उसके बाद आमिर के रिएक्शन ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल अमेरिका इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान ने कनाडा खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। ये जीत पाकिस्तान के लो कॉन्फिडेंस को अप करने वाली जीत थी। इस मुकाबले में मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की जीत के हीरो यानी प्लेयर ऑफ द मैच थे। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 13 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए थे। मगर इस मैच का एक ऐसा सीन भी निकलकर सामने आ रहा है जिसमें मोहम्मद आमिर एक फैन को मिडल फिंगर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यह मामला 2010 में हुए स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से जुड़ा है और मैदान में फैंस आमिर को उसी स्कैंडल के कारण चिढ़ाते हुए नजर आए। कनाडा खिलाफ मैच खत्म होने के बाद मोहम्मद आमिर बाउंड्री लाइन से गुजर रहे थे, तभी पाकिस्तानी टीम की जर्सी पहने कुछ लोगों ने फिक्सर फिक्सर के नारे लगाने शुरू कर दिए। आमिर ऐसे गुस्से से लाल हो गए कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार उस फैन को मिडल फिंगर दिखाई। फैंस आमिर को इसलिए फिक्सर कहकर चिढ़ाते क्योंकि उन्होंने 2010 में फिक्सिंग स्कैंडल में दोषी पाया गया था और आईसीसी ने आमिर पर 5 साल का बैन भी लगाया था। उसके बाद 2015 में उन्होंने वापसी करी, फिर 2020 में रिटायरमेंट भी ले लिया, लेकिन 2024 में एक बार फिर से वो पाकिस्तान टीम में वापस आ गए और अब वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वैसे आमिर मोहम्मद सिराज में आप किसे बेस्ट गेंदबाज मानते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।